बिग बॉस के घर में रहने वाले कंटेस्टेंट सलमान खान की हर एक बात मानते हैं और उनकी हर एक बात को बड़े ही गौर से सुनते भी हैं। बिग बॉस के इतिहास में कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने सलमान खान के साथ किसी न किसी बात को लेकर पंगा मोड़ लिया है। इन कंटेस्टेंट ने कुछ ऐसा करके खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि अब इंडस्ट्री में कोई भी इन्हें काम देने से कतराता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कंटेस्टेंट की पूरी लिस्ट। बिग बॉस के पांचवें सीजन के एक एपिसोड के दौरान आकाशदीप सलमान खान की बात को अनदेखा करते हुए सीट छोड़कर निकल गए थे। इसके बाद सलमान खान के साथ उनकी खूब बहस भी हो गई थी। इससे पहले आकाशदीप सहगल ने एकता कपूर के सुपरहिट सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम किया था, लेकिन सलमान खान से पंगा लेने के बाद उन्हें काफी लंबे समय से किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं देखा गया है। वहीं बिग बॉस के 10वें सीजन में सलमान खान ने खुद प्रियंका जग्गा को घर से बाहर निकाल दिया था। प्रियंका जग्गा ने वीकेंड के वॉर एपिसोड के दौरान सलमान खान से खूब लड़ाई कर ली थी। स्प्लिट्सविले 2 का खिताब अपने नाम करने के बाद सिद्धार्थ भारद्वाज ने भी सभी के दिलों में खास जगह बना ली थी। बिग बॉस सीजन 5 में सिद्धार्थ ने सलमान खान से पंगा ले लिया था, जिसके बाद इंडस्ट्री में से उनका नामो निशान ही मिट चुका है। वही बिग बॉस 11 में नजर आ चुके जुबैर खान ने शुरुआत में ही तांडव शुरू कर दिया था। सलमान खान ने गुस्से में आकर जुबैर खान को घर से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया था। शो से निकलने के बाद जुबैर खान ने सलमान खान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। तो वही ओम स्वामी ने सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि सभी कंटेस्टेंट्स के साथ साथ दर्शकों को भी सिर पीटने पर मजबूर कर दिया था। स्वामी ओम इंडस्ट्री में काम करना चाहते थे, लेकिन सलमान खान को आग दिखाने के बाद उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। तो वही पिछले सीजन में खुद सलमान खान ने अरहान खान का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। अरहान खान ने रश्मि देसाई से अपनी शादी के साथ साथ बच्ची की सच्चाई भी छिपा रखी थी। सलमान खान ने इस बात को लेकर अरहान खान से काफी नाराज थे और उन्होंने सभी के सामने अरहान खान को जमकर लताड़ भी दिया था। तो वही बिग बॉस के हर एक सीजन को ध्यान से देखने वाले लोग इमाम सिद्दीकी और सलमान खान की बहस को कभी भी नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने इन दोनों के झगड़े को काफी देखा है। तो वही अब इमाम सिद्दीकी को काम मिलना काफी मुश्किल हो गया है। पिछले सीजन बिग बॉस 13 की शुरुआत में सलमान खान असीम रियाज को काफी पसंद करते थे। अपने हिंसक व्यवहार के चलते असीम दिन पर दिन सलमान खान के नजरों में चढ़ गए थे। असीम रियाज की गर्लफ्रेंड का सच सामने आने के बाद सलमान खान ने उनकी क्लास लगाई थी। शो खत्म होने के बाद असीम कुछ म्यूजिक वीडियो में दिखे थे, लेकिन अभी तक उन्हें कोई भी बड़ा ब्रेक नहीं मिला है। तो वही ऐसा कुछ हाल सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी हुआ था। सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा ही अपनी बात पर अड़े ही रहते हैं, जिस वजह से एक बार सलमान खान के साथ उनकी बहस भी हो गई थी। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।